अब सेंसर को जैसे ही हम अंधेरा करेंगे दोस्तों, ये लाइट आपका ग्लो होने लगेगी। ये देखिए, तो ये देखिए जैसे ही हम लगा रहे हैं ये लाइट आपका ग्लो कर रहा है। जैसे ही ढक्कन को हटाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये लाइट आपका ग्लो करने लगा। ये देखिए, इस टाइप से आप इसको इस टाइप से सीधा भी रख सकते हैं हम इसे। ये देखिए दोस्तों, हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने वाला होल्डर बनाएंगे। इस होल्डर में इतना कैपेसिटी होगा दोस्तों कि ये लाइट को जैसे ही अंधेरा हो जाएगा ऑन कर देगा, और जैसे ही उजाला हो जाएगा ये लाइट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। आपको बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस होल्डर को आप ऐसे जगह लगा सकते हैं जहाँ पर आप बार बार नहीं जा सकते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक पोल हो वहाँ पर लगा सकते हैं, या घर के बाहर लगा सकते हैं। आप इसको बार बार जैसे कि शाम को ऑफ ऑन कर दिए और फिर सुबह ऑफ कर दिए, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ये होल्डर को आप एक बार लगा दीजिए सर्किट बना के, तो ये ऑटोमेटिकली दिन में ऑफ कर देगा लाइट को, और जैसे ये रात हो जाएगा अंधेरा होगा तो ये लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। इससे आपके बिजली बिल भी बचेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो भी बचत होगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको जो सर्किट बनाएंगे उसमें लगने वाले कंपोनेंट के नाम बता देते हैं। ये देखिए, ये BT136 है, इसमें तीन लेग हैं। ये आपको मार्केट में 2 से 3 रुपया में मिल जाएगा। एक डायोड लेंगे DB3, ये आपको 1 रुपया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। एक रजिस्टेंस लेंगे 100 किलो ओम का, ये 1 रुपया में मिल जाएगा। और एक LDR सेंसर लेंगे, ये आपको 2 रुपया में मिल जाएगा। और एक होल्डर लेंगे तो आपको मुश्किल से इसमें 10 से 12 रुपये खर्चा होगा दोस्तों, और ये आपका सर्किट बनके तैयार हो जाएगा। BT36 को इस टाइप से हम मोड़ लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड वाला लेग को हम मोड़ दिए हैं और बीच वाला लेग को सीधा रखे हैं। तो ये बीच वाला लेग को होल्डर के दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल पर हम इसको लगाएंगे। तो इसको पहले इस टाइप से इसके स्क्रू को ढीला कर लेंगे, और ये बीच वाला लेग को इसके जो टर्मिनल है वहाँ पर लगा के इसके स्क्रू को कस देंगे। अब डायोड DB3 को लेंगे और जो थर्ड वाला लेग है उसके साथ इसको हम इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे। अब डायोड के साथ 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। अब रेजिस्टेंस के ये वाला छोर को होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और इसके स्क्रू को अभी कस देंगे, और इसके बचे हुए जो भाग है इसको इधर मोड़ के अलग कर देंगे, क्योंकि उधर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब LDR सेंसर लेंगे और इसके दोनों लेग पे हम ये वायर कवर चढ़ा देंगे, क्योंकि अगर वायर कवर लगाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होने का डर कम रहेगा। तो चलिए, दोनों में हम वायर कवर लगा के इसको सोल्डिंग आयरन की सहायता से गर्म कर देंगे, जिससे ये दोनों जो लेग है सेंसर का उसमें सट जाएगा और चिपक जाएगा ये, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहेगा। ये देखिए, अब सेंसर के फर्स्ट लेग को जो BT136 से उसके फर्स्ट वाले लेग के साथ कनेक्ट करना है, और इसके सेंसर के दूसरे वाले लेग को डायोड और रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट करना है इसको। अब एक वायर लेंगे और ये जो रेजिस्टेंस जहाँ पे कनेक्शन किए हैं होल्डर के टर्मिनल पे, उसी में हम इस वायर को भी लगा के इसके स्क्रू को हम कस देंगे। अब और एक वायर लेंगे और ये जो सेंसर लगा हुआ है LDR सेंसर, उसके एक टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पे BT136 का फर्स्ट वाला लेग है उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, होल्डर का ये ढक्कन लेंगे, ऊपर वाला ढक्कन, और इसको हम सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसमें छोटा सा होल करेंगे। ये होल इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम ये जो सेंसर LDR सेंसर है इसको यहाँ पे हम निकालेंगे, इसलिए देखिए हम छोटा सा होल कर लिए हैं। अब दोस्तों, इसके होल्डर के ढक्कन को लगा लेते हैं। ये देखिए, और इसको इस टाइप से सेटअप करना है कि ये जो LDR सेंसर है ये यहाँ पर निकलना चाहिए, और ये जो BT136 है इसको भी अच्छा से सेटअप कर लेते हैं। तो चलिए, इसके ढक्कन को हम इस टाइप से लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको सेटअप करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इस टाइप से देखिए दोस्तों, ये मेरा सेंसर LDR सेंसर बाहर निकल गया है, और ये मेरा बल्ब का होल्डर जो है वो हम लगा दिए हैं। देखिए, इसको सेटअप भी बढ़िया से कर दिए हैं। अब हम इसको पावर सप्लाई देके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा वर्क करता है।
तो फाइनली देखिए दोस्तों, हम बल्ब को लगा लिए हैं, बल्ब फलो लगा लिए। ये देखिए मेरा सेंसर है। अब सेंसर को जैसे ही हम अंधेरा करेंगे दोस्तों, ये लाइट आपका गोलो होने लगेगी। ये देखिए, ये देखिए, एक बोतल का ढक्कन ले लिए हैं, इससे अच्छा से अंधेरा हो जाएगा। ये जो लाइट आ रहा है ऊपर से सेंसर में जो पड़ रहा है, उसको केवल रोकना है हमको। तो ये देखिए, जैसे ही हम इस ढक्कन को लगा रहे हैं, ये लाइट आपका गोलो कर रहा है। जैसे ही ढक्कन को हटाएंगे यहाँ से, ये देखिए, ये लाइट आपका ग्लो करने लगा। ये देखिए, इस टाइप से दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट को आसानी से अपने घर में यूज कर सकते हैं। इसमें आप मुश्किल से 10 रुपये खर्चा कीजिएगा तो ये आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा और आपको लाइट को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हाथ लगा के आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो अच्छा से दिखे। ये देखिए, आप हाथ से भी हम करके दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए, जैसे हम सेंसर में हाथ रख रहे हैं, ये लाइट ग्लो कर रहा है। एक हम छोटा नाइट लैंप लगा ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो चलिए हम नाइट लैंप एक लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरा नाइट लैंप है, अभी हम आपको इसमें जला के दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे सेंसर के ऊपर उंगली रख रहे हैं, इसको अंधेरा कर रहे हैं, सेंसर में रोशनी नहीं पड़ रहा है, तो ये लाइट मेरा ग्लो कर रहा है इस टाइप से। अब इसको इस टाइप से सीधा भी रख सकते हैं हम इसे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सेंसर पे मेरा अंगुली पड़ रहा है, ये लाइट आपका ग्लो कर रहा है। ये देखिए, हम फिर से ढक्कन रख के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ढक्कन बहुत दूर में रखे हैं, फिर भी ये लाइट आपका ग्लो कर रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये आप वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।